हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू माय चैनल। आज मैं लेके आई हूँ आपके लिए वेट लॉस स्प्राउट्स भेल की रेसिपी। यदि आपको मेरी रेसिपी पसंद आती है तो मेरे चैनल को लाइक करिए, सब्सक्राइब करिए और साथ में बेल आइकन भी प्रेस करिए, जिससे आगे आने वाली वीडियो की नोटिफिकेशन आपको मिलती रहेगी। आज जो मैं भेल लेके आई हूँ, ये खाने में तो बहुत टेस्टी है ही और साथ में बहुत हेल्दी हैं, क्योंकि ये प्रोटीन से भरपूर है और इसमें हमने वेजीज भी काफ़ी सारी डाली हैं, तो उनके भी सब गुण इसमें आ गए हैं। मैंने इसके लिए मूंग दाल को ओवरनाइट भिगो दिया था, फिर अगले दिन उसे वॉश करके और उसे छलनी में छान लिया था, फिर उसे मैंने गर्म जगह पर रख दिया था और एक दिन में हमारे स्प्राउट्स रेडी हो जाते हैं। अब उस दाल को मैंने कुकर में थोड़ा सा पानी डाल के और थोड़ा सा नमक और हल्दी डाल के एक सीटी लगा दी थी। आप चाहें तो इसे ऐसे भी यूज़ कर सकते हैं कच्चे ही, लेकिन मैंने इसे बॉईल करके यूज़ करा है। मैंने 2 कप बॉईल स्प्राउट्स लिए हैं। एक कप बॉईल स्वीट कॉर्न डाला है इसमें। एक चॉप्ड ओनियन बारीक कटी हुई, 2 टमाटर, 1 खीरा, आप ककड़ी भी डाल सकते हैं, 1/2 कप कटा हुआ धनिया, हम इसमें चॉप कैप्सिकम भी डाल सकते हैं, चॉप एप्पल भी डाल सकते हैं और हरी प्याज जो होती है वो भी डाल सकते हैं। अब हम इसमें 1 टेबल स्पून ग्रीन चटनी डालेंगे, हरी चटनी, 1 टेबल स्पून मीठी सौंठ डालेंगे, इमली वाली, 1 लेमन का जूस डालेंगे, 1 टीस्पून ब्लैक सॉल्ट काला नमक डालेंगे, 1 टीस्पून चाट मसाला डालेंगे, 1/2 टीस्पून भुना हुआ जीरा डालेंगे और इसे अच्छे से मिक्स करेंगे। आप नमक अपने स्वाद के अनुसार कम या ज़्यादा डाल सकते हैं और थोड़ी सी रेड चिली भी डाल सकते हैं और ग्रीन चिली भी डाल सकते हैं, मैंने इसे अवॉइड किया है। इन्हें अच्छे से मिक्स करेंगे। अब इस पर हम भुजिया स्प्रिंकल करेंगे। यदि आप इसमें भुजिया नहीं डालना चाहते तो इसको भी स्किप कर सकते हैं और इनको हम कोन में सर्व कर सकते हैं, बाउल में या कप में सर्व कर सकते हैं। ये हमारे वेट लॉस में बहुत हेल्प करती हैं। आप इसे बनाइए और सबको खिलाइए। मिलते हैं अगली रेसिपी के साथ। बाय बाय।